खास लेकर आए हैं। क्या बात है, मुझे में तो नहीं लेकिन मेरे बगल में कोई खास लेकर आया है। यहाँ पे दादा माइक ले रहे हैं, पहले 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 भीगो से पहले फोटो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ शुभ, आ जाओ। जी 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 सर, यहाँ आप इधर देखिए, इधर सर कैमरे इधर, ये कैमरे वहीं खड़े होके यहाँ सर या? या इसका क्या करूँ, हो गया इसका काम, अभी बाद में लगे फोटो सेशन बाद में लेंगे। कम 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 अच्छा, कांग्रेचुलेशंस सर बेसिक फॉर शो के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहली चीज क्या थी जो आप हाँ बोले इस चीज के लिए सीजन 7 के लिए, किशोर सर या फिर म्यूजिक? किशोर सर म्यूजिक तो हो ही रहा है लेकिन किशोर सर ही मेरी इंस्पिरेशन है, और उनके उनके किस्से, उनकी बातें, उनके गाने, ये शो इतना आइकॉनिक है तो ना का तो कोई सवाल था ही नहीं। और साथ साथ आज ये मौका मिला मुझे कि जैसे किशोर दा के साथ अमित दा ने भी शो को होस्ट किया था, तो बाप बेटे का कनेक्शन है, तो मैं भी मेरे प्यारे प्यारे माही, मेरे यंग डायनामिक, जिनका भी अभी गाना निकला है सॉरी, जो कि इज़ डूइंग नंबर 1 अक्रॉस रेडियो, तो मैंने कहा कि रेडियो का शो है, रेडियो का नंबर 1 गाने के साथ माही को बुलाया जाए, सो ही इज़ हियर विद मी। इन्हें किशोर दा कितना कितना पसंद है, लेकिन आई एम श्योर ऑफ कोर्स, आई मीन आई थिंक अक्रॉस जनरेशंस ये एक चीज़ है कि यू नो किशोर कुमार जी ट्रांसेंड्स जनरेशंस। आई थिंक यू नो डैड लर्न सो मच फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम हिज सॉन्ग्स, मेरे लिए भी यू नो आई गेट लर्न सो मच। पहला गाना जो मैंने इन्हें सिखाया था वो भी किशोर दा का ही है जी। हाँ, कौन सा गाना था? आ चल के तुझे मैं ले के चल एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। क्या बात है, ठीक लगा सबको? किशोर जी की बात की जाए तो इनके हर एक इमोशन में एक गाने आते हैं, फिट बैठते हैं मतलब। बिल्कुल। ऐसा कौन सा गाना जब आप उदास हो या खुशी के मूड में हो तो आप गाते हैं? उदासी में, उदासी मुझे पसंद नहीं है खास तो कभी पलकों पे आंसू है कभी लब पे शिकायत है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। खुशी में तो सारे गाने उनके खुशी में है। किशोर सर के गाने में खुद की आवाज पेश करना, ऑडियंस को एंगेज करना, ये कितना मतलब डिफिकल्ट रहता है, चैलेंजिंग रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि किशोर सर की आवाज़ें लोगों को काफ़ी पसंद थी, काफ़ी अलग थी उस जमाने के लिए, आप ये जानते तो लोगों को ऑडियंस को कनेक्ट करना ये कितना। उस जमाने में उनकी आवाज़ अलग थी, वही तो थी आवाज़। आज भी कभी शोज करता हूँ, बीच बीच में उनके जब गाने गाता हूँ तो मेरे गाने से ज़्यादा रिस्पॉन्स उनके गाने को मिलता है। जैसे मैं गा रहा हूँ जैसे बराबर चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे, उसके बीच में तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही, तो उसमें और प्यार मिल जाता है। नया का तो पता नहीं है, मैं हूँ नया, उनका ब्रांड न्यू होस्ट, और इसमें काफ़ी नए नए कुछ सेगमेंट्स किए हैं जहाँ आप फ़ोन करके आपके फेवरेट किशोर दा के गाने आप मुझे आप पूछ सकते हो, मैं आपके लिए गाऊंगा। कुछ ऐसे बाइट्स जो उनके फैंस जो खुद सेलिब्रिटीज़ हैं वो शेयर करते हैं, बाकी उनकी कहानियाँ हैं, उनके गाने हैं, और अंदाज़ नया है, बातें तो वही हैं। नहीं सीज़न 7 में तो नहीं, लेकिन साथ में कोई शो ज़रूर करना चाहेंगे, और साथ साथ मैं बस शुभ को, शुभ सॉरी माही, ऐसे इनका नाम है शुभ लेकिन इनका अब नाम हो गया माही, किशोर दा के भी नाम था आभास कुमार गांगुली बन गए किशोर कुमार, शांतनु से मैं शान, तो देखिए ये भी एक कनेक्शन है, हर एक का नाम बदल रहा है लेकिन तो मुझे लगा कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ किशोर दा की बात भी हो रही है। किशोर दा आज भी रेलेवेंट है, आज की यंग पीढ़ी में भी रेलेवेंट है, और ये मुझे ये भी पता है कि जब
माही शुरू शुरू में अपना रियाज करके अपने अपने आज के गाने सुनता था, मैं बार बार कहता था कि यार देखो अगर स्टेडीनेस लानी है ना वॉइस में, एक ठहराव लानी है, इमोशन को समझना है तो किशोरदा के गाने सुनो। तो फिर वो सुनने लगा और उसके कुछ उनके फेवरेट गाने भी हैं, उन्हें उनके कुछ गाने कवर भी किए हैं। सो इट्स ग्रेट के ही इज़ ओनली 18, किशोरदा चले गए थे 1986 में, आज भी उनके गाने, उनकी आवाज़ इज़ रेलिवेंट, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो ना, अरे यार हम तो सोचे किशोरदा का कोई गाना करेंगे लेकिन उसमें तो मेरे दो एक तीन लाइन से थे, तो उससे दूसरा वाला बेटर था, रीस्टार्ट ना, कनपट्टी खो जाके बीती रात, नहीं मोर देन दैट, रीस्टार्ट इज समथिंग दैट आई एम डूइंग ऑल द टाइम, ये भी एक नया रीस्टार्ट है आरजे रेडियो, और ज़िंदगी में हमेशा कुछ भी हो जाए रीस्टार्ट करो। लेकिन किशोरदा का ही गाना गाएंगे जी, और बेटा शुरू करेगा जो भी गाना। दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। नाइस सॉन्ग, थैंक यू बाबा।